देर सुबह शाम आता हूँ रोज़ कुछ बड़े टेस्टी कुछ हॉट डॉग है इनका। हेलो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फूडी फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। तो वीडियो इस प्रकार से है कि आज आप भाई लोगों ने रिकमेंड किया है जी मुझे सोनू भाई का हॉट डॉग जो कि शास्त्री नगर में लोकेटेड है। तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट आपके रिकमेंडेशंस के लिए। तो मैं आपको हमेशा से ही रिक्वेस्ट करते आता हूँ कि भाई का मोटिव केवल हाईफाई या हाईली रेटेड शॉप्स को ही एक्सप्लोर करना नहीं है जो ऑलरेडी बहुत फेमस होते हैं अपने अपने डिशेस के लिए। आप मुझे अपने अपने लोकेलिटीज़ में भी जो वेंडर है या कोई भी हिडन जेम होते हैं ना जो रेडीज़ पर बेचते हैं या कोई दुकान होती है जो अनएक्सप्लोर होते हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते, मतलब कि बोले तो फूडीज़ लोग अवेयर नहीं होते, क्योंकि फूडीज़ जो होता है हमारी कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट होती है। भाई हम ये शॉप्स ढूंढते रहते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ बढ़िया मिलती है, हमको नहीं फ़र्क पड़ता वो कहाँ पर है, हम ज़रूर वो खाने जाएंगे। और मुझे भी कोई शर्म नहीं है कि अगर आप मुझे कोई भी रेडी वाला बताओगे या रेडी में भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो बल्कि मैं उसको हिडन जेम कहता हूँ उन लोगों को, जैसे राजू भाई का न्यूट्री कुलचा मुझे तो वो शानदार लगा। तो मुझे कोई शर्म नहीं है ऐसे लोगों को प्रमोट करने में या एक्सप्लोर करने में। बस इसी तरह का मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे अपने अपने लोकेलिटीज़ में बताइए कि आपके लोकेलिटी में कौन कौन शख्स क्या क्या भेजता है और किस चीज़ के लिए वो मशहूर है। आपका भाई आके ज़रूर उनको एक्सप्लोर करेगा, वहाँ पर वो खाना ज़रूर ट्राई करेगा। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उसी लोकेशन पे। तो लीजिए दोस्तों पहुँच गया मैं फिर सोनू भाई के हॉट डॉग वाली शॉप पे जो टाइम टू ईट के नाम से भी फेमस है। तो बट आपने मुझे कहा था जी सोनू भाई की हॉट डॉग बहुत बढ़िया है। तो चलिए मैं आपसे यहाँ का एड्रेस और यहाँ का लैंडमार्क थोड़ा शेयर करता हूँ। ये एरिया जी कहलाता है जी शास्त्री नगर। तो अगर आप जाएंगे राइट साइड से तो ये रास्ता जाता है जी आपका नई बस्ती के लिए, और अगर आप मेरे लेफ्ट साइड से आएंगे इस साइड से तो ये रास्ता जाता है जी आपका डिगियाना वाली साइड से, अगर आप राइट मुड़ेंगे, और अगर लेफ्ट मुड़ेंगे तो जाएगा संजय नगर के लिए। और जो बैक साइड अभी बिल्डिंग देख रहे हैं जी ये है जी जेके बैंक। तो दोस्तों ये इनकी शॉप है, बड़ी प्यारी सी शॉप है, छोटी मोटी शॉप है इनकी, देख लीजिए। ये इनके हॉट डॉग वगैरह यहाँ पर सैंडविचेस देख रहा हूँ मैं, बर्गर भी देख रहा हूँ मैं। बट आपने इनकी हॉट डॉग की बड़ी झमकी तारीफ की हुई है, तो आज मैं इनके पास हॉट डॉग ही केवल खाऊंगा। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ इन्होंने यहाँ पर न्यूट्री कुलचा भी रखा हुआ है, बर्गर भी रखा है, वेज मोमोज भी रखा हुआ है, हॉट डॉग वगैरह, ये सॉरी टिक्की हॉट डॉग तो है इनका फेमस, फ्राई मोमो, स्प्रिंग रोल, हॉट डॉग। तो बट आपने इनकी हॉट डॉग की जमके तारीफ की हुई है, आज हम वही ट्राई करेंगे यहाँ पे। भाई अपने बर्गर के लिए टिक्कियाँ बना रहे हैं। तो सोनू भाई अभी अपने कस्टमर्स के लिए हॉट डॉग लगा रहे हैं, इनके बाद हमारा नंबर भी आएगा। तो मेरे मुंह में तो काफ़ी पानी आ रहा है, देखते हैं क्या टेस्ट है इनका जो आपने इनकी जमके तारीफ की हुई है। हाँ जी, ये हमारा जो हॉट डॉग है ये जम्मू में सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसकी क्वालिटी ये है कि ये बिल्कुल फ्रेश देते हैं। हम जो हम ग्राहक को सर्विस देते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम ग्राहक को अच्छी तरह से कलेक्ट करें और उनको बढ़िया से बढ़िया चीज़ दें। और हमारी सबसे ज़्यादा फेमस ऐसे तो बर्गर भी है, हॉट डॉग भी है, सैंडविच भी है और स्प्रिंग रोल भी हैं, पर जो सबसे हमारी बढ़िया क्वालिटी है वो हमारी हॉट डॉग है। और ये शॉप हमें करते हुए 6-7 साल हो गया है, पहले हमारे बड़े भैया करते थे, अब मेरे नाम से मशहूर है। मैं इधर सुबह शाम आता हूँ रोज़ कुछ बड़े टेस्टी कुछ हॉट डॉग है इनका, और 2-3 साल से आ रहा हूँ, तो सुबह हो या शाम मैं रोज़ खाता हूँ हॉट डॉग। दोस्तों पहले भी हॉट डॉग लग रहा है, अब खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है जी। लीजिए दोस्तों आ गया मेरा अपना हॉट डॉग, बहुत बढ़िया हॉट डॉग, दिखने में अच्छा लग रहा है। इसमें इन्होंने पनीर की स्टफिंग की हुई है जी, 2 छोटे छोटे पीस पनीर के हैं, बंद गोभी है, मुझे मटर दिख रहा है, और आलू भी है इसके अंदर, अनारदाने का चटनी है। तो चलिए अब करते हैं जी टेस्ट। बढ़िया है, खटास जम के आ रही है, वो ऑब्वियसली वो अनारदाने की चटनी से आ रही है,
और पनीर स्टफिंग ने भी टेस्ट को बहुत बढ़िया अच्छा किया हुआ है। अच्छा टेस्ट है, तीखापन तीखापन भी कुछ खास नहीं है, एकदम नॉर्मल है, मतलब कि छोटा बच्चा भी इसको आराम से खा सकता है। तो दोस्तों ये थे अपने सोनू भाई, जिनका आज हमने हॉट डॉग ट्राई किया, जिनकी आपने जम के तारीफ की थी, बहुत बढ़िया हॉट डॉग है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी तक लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी लोकेशन पे, किसी और अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय।